अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। खूबसूरत और अच्छी ज़िंदगी गुजारना शायद पाकिस्तान की आवाम का एक ऐसा ख्वाब है जिसकी ताबीर मिलना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरफ देखा जाए मसाइल के अंबार नज़र आते हैं जो बजाय कम होने के मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं और आवाम तरक्की करने के मज़ीद तरक्की से पीछे होती जा रही है, यानी तनज़ली का शिकार हो रही है। इस बात को अलमिया कहा जाए तो बेजाना होगा कि दुनिया साइंस और दीगर शोबों में इतना आगे बढ़ गई है कि सैयारों में नई बस्ती बनाने के प्लान बना रही है और हम आज भी बंद गटर लाइनें खोलने के इंतज़ार में हैं और दीगर बुनियादी मसाइल को रो रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई से अदमुई आवाम कभी पीने के पानी को तरस रही है तो कहीं खुले नालों और गटरों में गिर जाने वाले मासूम बच्चों की मौत पर मातम कना है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जो कभी खूबसूरती और रानाइयों का मरकज समझा जाता था, आज ना सिर्फ मसाइल का शिकार है बल्कि इसकी मुश्किलात में बेपना इजाफा होता जा रहा है। शहर के तमाम अजला बुनियादी मसाइल से दो चार हसरत और मायूसी की तस्वीर बने हैं और सवाल कर रहे हैं कि अब मजीद कितनी तबाही हमारे हिस्से में आएगी। जिला के माड़ी की अगर बात की जाए तो ये इलाका अपनी जगह एक तारीखी अहमियत रखता है, लेकिन आज यहाँ और इससे मुतसल इलाके अपनी हालत इजार पर मातम कर रहे हैं। यहाँ के इलाका मकीन इंतहाई परेशानी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। पता नहीं कहाँ कहाँ से कचरा ला के फेंक के वक्त चले जाते हैं, अपना कहाँ फेंकेंगे। मार्केट का रोड ही बंद है तो कहाँ से जाएं, गटर का ढक्कन भी नहीं है, अगर बच्चा गिरेगा इसका जिम्मेदार कौन है। खुले गटर मौत का कुआं बनकर मासूम बच्चों की हलाकत का सबब बन रहे हैं, मगर अफसोस इन तमाम हालात पर तवज्जो देने वाला कोई नहीं। चार साल का बच्चा खूबसूरत था, पोत हो गया, ये नाले से गिर गया, वो नाले में आ गया। इलाका मकीनों का कहना है कि वोट लेने वाले बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ वोट तो मांगने आते हैं मगर अपनी सियासत चमकाकर न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। यहाँ बड़े लोग इलेक्शन होते हैं ना, वोट देने के लिए जबरदस्ती घसीट के वोट ले लेते हैं। काउंसलर से लेके वज़ीर-ए-आला तक इनके लोग मौजूद है और ये फिर भी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इलेक्शन के दिन आते हैं। इस हवाले से लोगों का ये भी कहना है कि दावे वादे दिलासे तो बहुत दिए जाते हैं लेकिन अमली जामा पहनाने वाले कहाँ हैं ये मालूम नहीं। हमने अपने प्रोग्राम सच का सफर में हमेशा कोशिश की है कि उन तमाम अवामी मसाइल को सामने लाया जाए जो उमूमन सामने होते हुए भी नजरों से पोशीदा होते हैं। आज भी मवाज कोट के इलाका मकीनों की फरियाद और पुकार हमने हुकूमत और इंतजामिया तक पहुँचाने की छोटी सी आवश्यक की है ताकि वहाँ के रिहायशी इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकें। कराची एक मेगा सिटी है जिसके मुख्तलिफ अजला हैं। जिला के माड़ी भी मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ के इलाका मकीन भी दीगर अजला की तरह बुनियादी मसाइल से दो चार हैं। पानी, बिजली, सेवरेज और दीगर परेशानियों ने आवाम को एक मुसलसल अजाब में मुब्तला कर रखा है। खासकर मवाज गोड और उसके आसपास के इलाके बुरी तरह मुतासर हैं। इलाके की हर गली में गंदगी और गलाजत के ढेर हैं, जबकि दीगर मसाइल भी मौजूद हैं। सालों से पीने का पानी मयसर नहीं और इलाका मकीनों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। आइए मजीद जानते हैं कि आवाम किन हालात से नबर्दाजमा है। नाज़रीन, यहाँ के जो एमपी हैं वो लियाकत अस्कानी साहब हैं और जो एमएनए हैं वो कादिर पटेल साहब हैं। इस इलाके की सूरत हाल क्या है ये आपको बखूबी नज़र आ रहा होगा, मेरे अकब में आप देख लें ये पूरी मतलब तहद निगाह आपको सिर्फ कचरे के अंबार कचरे के पहाड़ नजर आ रहे होंगे। वहाँ देखिए किस तरह से गटर बह रहे हैं, जिस रस्ते से हम आए वो रास्ता आप देख लेंगे वहाँ का क्या हाल है। बीच सड़क पर यानी कि जहाँ से गुजरते हैं लोग वहाँ पे ना सिर्फ गटर बह रहे हैं, वहाँ पे कचरे यूँ कचरों के छोटे छोटे पहाड़ खड़े किए गए। खातून मेरे साथ मौजूद इनसे बात करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि कचरा कोई बाहर से तो लाके डाल के नहीं गया होगा, ये इलाके वालों का अपना ही कचरा होगा। जी हाँ, इलाके वाले का पता नहीं कहाँ कहाँ से कचरा ला के फेंक के वापस चले जाते, बाइक में बैठ के रश का कचरा फेंक के वापस चले जाते। यानी आपके इलाके वालों का नहीं है, लोग खुद आके फेंकते हैं। हाँ, पता नहीं कहाँ से बहुत बहुत दूर से सबको पता है कचरा। अभी काम भी इंशाल्लाह हो जाएंगे, अभी भी पेप लाया उधर पड़ा है, हम खुद पीपल्स पार्टी का जाले इंशाल्लाह आगे बात किए ऊपर इंशाल्लाह। कहाँ ऊपर बात किया आपने? मेरे एमपी है ना लियाकत अस्कानी,
से बात हुआ। बात की है तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये तोहफा दिया आपको? ये नहीं, ये तोहफा इसका नहीं, ये हमारा अपना। कितनी दफा आए लियाकत अस्कानी साहब यहाँ पर? वो तो आते हैं, हमारा चेयरमैन वाइस चेयरमैन सब इधर का है। इधर का होने के बावजूद ये हाल है? अभी इसने अलिप नहीं उठाया, अभी इंशाल्लाह काम होगा, हर गली में काम हो रहा है। क्योंकि मेरा कैमरा पेन होगा आपकी पूरी गली दिखाएगा, आप मुझे गली का काम बताइए क्या क्या हुआ है। काम होता है, मेरा भी होता था, मैंने काम करवाया, पूरा रोड बनाया। ये इलाका मकीन नहीं है, ये तो बेकार है। अच्छा, ये गंदगी खुद पैदा करते है, सारा दिन हम जलाते, गाड़ी आते बस कचरा उठाते है, फिर वापस आते फेंक देते है। ये कह रही है कि इस गली पे काम हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे इस पसमानदा इलाके के अंदर आए, और जिस तरह मेरी बहन ने ये कहा कि यहाँ पे मुख्तलिफ एरियों के अंदर, मुख्तलिफ गलियों के अंदर काम हो रहा है, अगर ये काम हो रहा है तो बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन आप ये देख सकती हैं कि इसी गली के अंदर वाइस चेयरमैन का घर है, और ये अभी आप थोड़ी देर के बाद आप देखेंगी, ये गली है, मेन गली है, और इस गली का आप हालत देख सकती हैं कि अभी भी दिख रही है कि आप देख सकती हैं कि ये गली के अंदर से बच्चे क्या बुढ़े भी यहाँ से गुजरते हैं। वो थोड़ा कैमरा ज़ूम कीजिएगा, वो कैसे गुजर रहे हैं। इलेक्शन के दिनों के अंदर ये आके किसी गली के अंदर एक एक ट्राली मिट्टी की फेंक के लोगों को तसल्ली दे देते हैं कि यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ तो मुझे तसल्ली के भी आसार नजर आ रहे हैं। मैं आपके मीडिया के जरिए ये पैगाम देता हूँ, यहाँ पे आए लियाकत अस्कानी साहब आए, कादर मंदुखैल साहब आए, इनके चेयरमैन आए, वाइस चेयरमैन आए, काउंसलर वो आए, और आपको किसी भी काम की निशानदेही करवा दें, मैं आपके साथ मौजूद हूं, और मैं उनका वहां पे जहां जहां काम हुआ है मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा। तो ये तो ये मौजूद है ना, जाली है, ये कह रही है मैं जाली हूं, मुझे काम से बता दे। इस गली में जाके देखो क्या काम हुआ। काम हुआ क्या? सीसी का काम हुआ। तो फिर ये बेजार है, बस इसका काम हो रहा है। ये वो कराची है जो पाकिस्तान का 80% बजट जो है ये कराची बर्दाश्त करता है। हकीकत आप मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त महसूस कर रही हैं कि मैं इस वक्त कराची के अंदर हूँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा, इन लोगों ने आपको वोट दिए, इन लोगों ने यहाँ से आप लोगों को इज्जत दी है, इन लोगों के काम करो। यहाँ पे मच्छर पैदा होते हैं, वही मच्छर जो है बीमारियों का जरिया बनाते हैं। ना यहाँ पे हॉस्पिटल है, ना यहाँ सेहत के कोई सिस्टम है। स्कूल मौजूद हैं लेकिन रात का मंजर पेश कर रहे हैं, वहाँ पे गधे बांधे हुए हैं। इस कराची ने, इस इलाके ने इनको इज्जत दी है, लेकिन इस इलाके के साथ जो रसवाई का जो सबब है आप ये देख सकती हैं। हम इसके बाद आपको मुख्तलिफ जरियों का, मुख्तलिफ और इलाकों का भी विजिट करवाएंगे। कचरे के अलावा और यहाँ पे जो बहते हुए गटर है, इसके अलावा इस इलाके के और क्या मसले हैं? ये मैनहोल है, ये बिल्कुल ओपन है, आप देख लें कि इस वक्त अगर कोई आम बंदा आएगा उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये मैनहोल है या क्या है। बिल्कुल, वो तो इसमें अगर कोई बच्चा गिरता है, मुझे ये बताएं कि कितने की तरफ जाएगा। एक हादसा यहाँ पे हुआ भी था, वो बच्चा बाकायदा गटर के अंदर गिर के मरा था, मर गया था, उसकी डेथ हो गई थी। एक वो हादसा था और एक खम्भे के साथ लग के बच्चे की डेथ हो गई थी। खुदारा, आपने कल मरना है और इस चीज़ का हिसाब देना है आपने। ये मैं अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहा, ये मैं इन गरीब इलाके के लोगों के लिए, और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आप इस एरिया के अंदर काम करें ताकि आपको कल इलेक्शन के वक्त आते हुए आपको तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। हम पूरे मुआज वाले मकीन किचरा अपना कहाँ फेंकेंगे? सही ना, एक तो अगर इसका खत्म होना भी हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा, हम कहाँ अपने घरों के सामने फेंकेंगे। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई कचरा उठाने नहीं आता, कोई नहीं है, तो कोई नहीं होता, गाड़ी आते हैं यहाँ पर, गाड़ी आते हैं, उठाया जाता है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम लाया जाए जैसे कि बल्दिया के अंदर है। आप इन गटरों के हवाले से क्या कहेंगे? ये गटरों के हवाले से यही कि हम रिक्वेस्ट करें कि ये जो कंडीशन आप लोग देख रहे हो, आप खुद अपनी मदद, आप ढक्कन रख देना। नहीं, एक तो मसला ये है कि ढक्कन यहाँ पर रखे जाते हैं, मगर यहाँ पर जितने आप देख रहे हो आजकल चोरी चकरिया ज्यादा होते हैं, नशा चोरी कर जा रहे हैं, ये इसका मीटर लेके जाते, कभी ये ढकने लेके जाते। मुझे बताएं इस तरह के गटर इस इलाके में जा बजा कहाँ कहाँ कितने कितने मौजूद यहाँ पर? तो अभी तो बहुत है, बहुत है, और इसी तरह खुले, इसी तरह खुले हुए कितने हादसा होते हैं? हादसा तो बहुत हुए हमारे सामने हुए। हाँ, हम बोलते भी है और ढक्कन रखते भी है, ये नहीं की नहीं रखते और रखते भी है। फिर चोरी, कोई चौकीदार तो नहीं होगा ना इस चीज का? आप क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार यही है जो आप, आपको पता है हालत कैसे चल रहे हैं, ये पोल रही है, निशा करते हैं, लेके जाते हैं, अब किस किस को हम लोग पकड़े। हमारे यहाँ सबसे मेन मसला है गटरों का, यहाँ से आप ये देख रहे हो ये सारे इसमें बीच में भी गटर है, अगर किसी को पता ना हो तो अचानक में वो चला जाएगा। एक हफ्ता पहले यहाँ एक बटान था, कोई बाहर से आया हुआ था, उससे मालूम नहीं था कि ये दलदल बना हुआ है, वो वॉशरूम के चक्कर में दलदल बना हुआ है। कोई हम जैसा कोई भी बंदा चला जाए यहाँ डूब जाएगा। अच्छा, उसकी कौन जिम्मेदारी है?
तकरीबन 6 से 7 फीट जो है ना ये गहरा है। ये जो कचरा इन्होंने फेंका हुआ ना, ये कह रहे हैं कि ये दलदल बना हुआ है, यानी कि इसके ऊपर चल नहीं सकते, कोई बंदा जाएगा तो वो डूब जाएगा। तो इसका हल क्या है मुस्तकिल बुनियादों पर? हमारे जो MP है, MNA है, यहाँ के चेयरमैन है, ये उनका काम है। हम तो आए दिन इसकी वीडियो बनाते रहते हैं लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं, हम किसको सुनाएं। मच्छरों से बच्चे बीमार हो रहे हैं, यहाँ कोई औरत गुजर नहीं सकते। मेन मार्केट का रोड है, मेन मार्केट का रोड ही बंद है तो कहाँ से जाएं लोग? कोई वहाँ से घूम के जा रहा है, कोई वहाँ से घूम के जा रहा है। यहाँ गाड़ियों का आने जाने का बड़ा रोड है, ये सारा बंद पड़ा हुआ है। यहाँ से मस्जिद है, बाजार है, सब कुछ है। खुद मुझे बताएं, हम किसको बताएं? सही है, सैवरेज का निजाम जो है यहाँ पे धर्म भरम है, जा बजा यहाँ के जो गटर है वो भरे पड़े हैं, फिर उस पे ढक्कन भी नहीं है जिसकी वजह से हादसा होते हैं। साथ साथ यहाँ पे आप ये देख लें, तकरीबन 600 गज का ये आप देख लें, ये प्लॉट है जिसपे कचरे के अंबार लगे हुए, और इनका कहना है कि 10 फुट गहरा है ये। इसके ऊपर जो है ये सारा कचरा डला हुआ है, अगर इसके ऊपर चल के जाया जाए तो ये सारा कचरा नीचे हो जाएगा, कोई शख्स उसके ऊपर चल के जा नहीं सकता। और बाजार का रास्ता भी वही है, वो देखिए, वो भी मेरा कैमरा दिखाएगा, वो बच्ची जाने की कोशिश कर रही है तो किस तरीके से जा रही है। तो यहाँ से जो रोजमर्रा का खवातीन का बच्चों का गुजरना है वो भी मुहाल है, बहुत मुश्किल है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद। फैमिली को बिठाकर इस रोड से गुजरना कितना मुश्किल है ये बाबा, ये मैं बोलता हूँ बड़ा मुश्किल हो रहा है हम लोग के लिए। हम लोग ऐसा अजाब में फंस गए यहाँ पर, ये हमारा बलोच मोहल्ले में ना तवज्जो नहीं दे रहे बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं, ये कचरे का ढेर लगे हैं यहाँ पर, सही है ना। आना जाने वाले के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। और हम लोग भी ना अगर रोड पे भी जाते हैं ना, हम लोग 2 गली छोड़ के 3री गली से निकलते हैं हम लोग। ये आप देख सकते हैं, ये मेन रोड है। ये कब से ये हाल है? ये जब से बना किचरा कुंडी, ये तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गई है। इसकी वजह से इलाके में बीमारियां भी फैल रही होंगी। तो माशाल्लाह ये घर के सामने देखो ना, ये बनोलों का ढकने नहीं है। आज दिन जो है ना बच्चे यहाँ पर गिर रहे हैं, एक दिन हम बैठे हुए थे यहाँ पर डिंकी पे, एक बुजुर्ग गिर गया गड्ढे के अंदर, हम लोग ने पकड़ के उसको निकाल दिया बाहर। और दोबारा हम लोग ने असम काशकली साहब को भी बोला, हमने बोला ये आप देख सकते हैं, हमारा वाइस चेयरमैन, हमने बोला ये देखो ये हालत है। हम लोग बोलते हैं बस अभी हम लोग तो बेबस है, अभी हम लोग क्या करें, अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना आवाम के हाथ में, ना हुक्मरानों के हाथ में, फिर पता नहीं किसके हाथ में भाग दौड़ है। तो मसला सारा ना सही, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? तरक्याती काम तो माशाल्लाह इसने बहुत किए हैं। अभी जो गंदगी है खत्म हो जाए, ये मिनोले का मसला हल हो ना, मैं बोलता हम लोग का इलाका बिल्कुल सही है। अब जो माशाल्लाह से तरक्याती काम हुए हैं, मैं चाहती हूँ पूरा एक कैमरा घूम के ना दिखा दें यहाँ के तरक्याती काम। ये तो मैंने आपको एक गली दिखाई, अब थोड़ा आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। नाज़रीन ये देख लें, ये हम थोड़ा आगे आए हैं, ये गरीबों का पार्क है, ये गरीबों की तफरी की जगह है, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। और यहीं पर जो है वो आप देख सकते हैं हर तरह की गलाजत है, हर तरह की गंदगी है। अच्छा यहाँ पे खेलते हो आप? ये पार्क है आपका क्या? इधर हम लोग झूला खाते हैं। सही है, झूले वाले ने झूले यहाँ पे लगाए हुए। सही है, कितने का एक झूला लेते हो? ये 10 रुपए का लेते। 10 रुपए का ये लेते हो और ये वाले 10 रुपए का ये। अच्छा ये देखिए मदरसे के सामने ही कचरा कुंडी, ये है मदरसा, ठीक है, और इसके सामने कचरा कुंडी है। और चूंकि मदरसे की छुट्टी होती है, बच्चे आते हैं तो इसलिए यहाँ पे झूले लगाए हैं, 10-10 रुपए में बच्चे जो है ये झूला झूल रहे हैं। बेटा पढ़ती हो फिर उसके बाद यहाँ जाती हो? मैं पढ़ती भी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने झूले खाने आई थी ना, अंकल ने मुझे फ्री का बिठा लिया आपको। सही, रोज आती है झूले? रोज आती हो? अभी आए। अच्छा ये गंदगी और कचरा कब से पड़ा हुआ इधर? ये बहुत पहले से पड़ा हुआ है, 15-20 साल पहले से पड़ा हुआ है। 15 तो बारिश होती होगी तो आपके मदरसे तक आता होगा पानी? हाँ आता है। आता है, क्या आलम क्या होता है उस वक्त? मदरसे के पास ना बजी आंटी यहाँ पे झूला। ये है हमारे कौम के मेमार, ये हमारे कौम का मुस्तकबिल है जो मेरे अतराफ में आप देख रहे हैं। और कौम का मुस्तकबिल 10-10 रुपए दे के झूले तो झूल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई 10 रुपए लगाने को तैयार नहीं है। ये आप देखें, इतनी गंदगी है, इतनी गलाजत है। और मदरसे के बिल्कुल सामने कम से कम दीनी मामलों में तो कुछ एहतराम कर लिया करें, सफाई निफ्स ईमान है, ये सबसे पहले इस मदरसे में बताया होगा। और बच्चे जब ये सुन के बाहर निकलते होंगे और अतराफ में देखते होंगे तो फिर सोचते होंगे हमें तो बताया गया कि सफाई निफ्स ईमान है, तो यहाँ कहाँ है इनका निफ्स ईमान? पढ़ाते हैं यहाँ पर? मैं यहाँ निगरानी करता हूँ, पढ़ाता तो नहीं। ये कब से हाल है? ये तो काफ़ी सूरत हाल काफ़ी अरसे से है कि यहाँ कचरा वगैरह गिर रहा है, बच्चे उठा रहे नहीं है, यहाँ माहौल है मदरसे का बाहर है, सफाई सुथराई होनी चाहिए, लेकिन गटर काफ़ी अरसे से बंद है। लेकिन फ़ोन करो तो हमारे पास
मुलाजिम नहीं है, बंगी नहीं है, किसको बंदा जाए, किससे कहे, किससे फरियाद करे, फरियाद सुनने वाला इस जगह पर कोई नहीं है। यहाँ ये नहीं है कि मसाजिद है, मदरसा है, कोई नमाजी आ रहा है या कोई जा रहा है, कि नमाजी आता है उसके कपड़े पाक होते हैं मस्जिद में या नहीं होते, इस चीज़ का भी बिल्कुल उनको ख्याल नहीं है कि मस्जिद है। चलो इस जगह का मुकद्दस जगह है जहाँ में हम ख्याल करें कि चलो अल्लाह के घर पे कोई जा रहा है, इबादत के लिए जाएगा, इसका अजर हमें भी मिलेगा। कि बंदा सोचेगा कि ये देखो मस्जिद के आगे ख़राब है जगह, इसको हम ढकना लगवा लें, कोई जगह कर लें, लेकिन कोई फिक्र नहीं है। काफ़ी शिकायतें की, वीडियो बना के भेजी, कोई कहाँ कहाँ भेजी वीडियो, लियाकत साहब के पास भी भेजी और बाकी यहाँ के जो बड़े हैं, चॉइस चेयरमैन, चेयरमैन, जो काउंसलर हैं, सबको भेजी। और दूसरी बात, अब ये रोड बनाए अब की बात है कि इस गली में आज मेरी 18-19 साल उम्र है, लेकिन इस गली में कभी जम हमने नहीं बना हुआ देखा, लेकिन इस दफ़ा यहाँ मुसलसल आप गली में जाएं कि जम बने हुए, कि पानी आए वहाँ से ले मस्जिद के मदरसे के आगे रुक जाए, कि नुकसान हो कि यहाँ हो लेकिन आगे आबादी को ना हो। मदरसे से हम थोड़ा सा आगे आए हैं, ठीक है। ये जगह जो है बेसिकली नूर शाह मोहल्ला कहलाती है और ये आप देख सकते हैं ये आगे कितना बुरा हाल है, कीचड़ का गंदा पानी मौजूद है यहाँ पर। सामने ये जो नज़र आ रहा है ना, जिस पर कोई बोट नहीं लगा हुआ, एक पाइप नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे वो जो छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं जो कि पानी सप्लाई का काम करती हैं, वो यहाँ से रिफ़िल होती हैं और रिफ़िल होने के बाद यहीं से जाती हैं, और जहाँ से रिफ़िल होती हैं साफ पानी, पीने का पानी निकाला जाता है, पहुँचाया जाता है लोगों के घरों में। उसके आगे की कंडीशन तो आप ज़रा देखें, कितनी वर्स्ट किस्म की कंडीशन है। और मैं फिर बार बार एक ही बात कर रही हूँ, अभी ना ही कोई बारिशें हुई हैं और ना ही कोई इस तरह का माहौल है कि ये इस तरह कीचड़ हो, लेकिन अगर बारिशें होंगी तो फिर आप सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं कि यहाँ का क्या हाल होगा। अच्छा, ये देखिए इस इलाके में बच्चे बहुत हैं, आपको हर घर के बाहर बच्चे नज़र आ रहे हैं, मदरसा मैंने आपको दिखाया था, और इधर ये अभी हम यहाँ पे खड़े ही हुए हैं तो यहाँ बच्चों की जो है वो यहाँ पे लाइन लग गई है। और बदकिस्मती से यहाँ पर एक बच्ची के साथ भी एक हादसा पेश आया था, क्या हादसा था जानते हैं? अच्छा, कुछ दिनों पहले यहाँ एक हादसा, यहाँ से लियारी से बंदे आए थे इधर मेहमान, उनका बच्चा जो था इसी गडर में जो है मर गया बेचारा, ढूंढ ढूंढ के फिर इधर से ही आके मिला। सही है, तो इस गटर ये गटर अभी इसको जो थोड़ा मट्टी डाल दिया है, बच्चे फिर रहे हैं इस वजह से, वो बेचारे ने ये जगह है उनका ये भेज के चले गए बेचारे इसी गटर की वजह से। इधर बड़ा जुल्म है, इसी गली में जाओ, उस गली में जाओ, जिस गली में जाओगे यही तेरे को गटर खुले। ये जगह बता रहे हैं, यही है, अपनी मदद आपके तहत? हाँ, हम लोगों ने अपनी मदद से किया है, लोगों से 5-5 रुपया लेके इसको बनावा दिया। अभी तो कोई काम नहीं हो रहा है, जो गटर देखोगे उसको ढकना नहीं है। हम ऐसे रात शाम को आते हैं तो आके बच्चों को देखते हैं, भाई कोई बच्चा है, घर नहीं है, ये हालात है हम लोगों के साथ, और वोट दिया यही असर है। पीने का साफ पानी मैसर है? पानी इधर है कहाँ, पानी मिलता ही नहीं है। अभी मैंने देखा वहाँ एक जगह थी जहाँ पे पानी की गाड़ियाँ जो है वो भरी जाती है, फिर इलाके में सप्लाई वो 3,000 रुपया टैंकर है, वो अभी हम गरीब आदमी कहाँ से लाए। सही, घर के नल को भी पानी नहीं आता? नहीं नहीं, इधर आता है मगर महीने महीने के बाद देते हैं, वो भी बस 10-15 मिनट घंटा ऐसे देते। सही, हैं। तो वैसे खरीदना पड़ता है? हाँ, खरीदना ही पड़ता है। अगर बारिशें हो जाती हैं तो यहाँ का हाल क्या होता है? हाल ये है, फिर नमाज पे भी नहीं जा सकते हैं, कोई नहीं, बस को मैयत होता है, फिर भी गलियों में फिर जाते हैं कब्रिस्तान पे। ये हमारे साथ इधर मौज में हालत है, आवाज नहीं उठाई, फरियाद नहीं पहुंचाई, सुनवाई नहीं हुई, कोई आया नहीं। बेचारे करते हैं मगर आगे वाला है कोई नहीं, जो है वो पैसे लेके बैठ जाते हैं अपने घर बस। ये हम गली में आए हैं, गली भी देख लें आप, गली कहीं से नहीं लग रहा कि ये रोड है, ठीक है, ये गली देख लें आप, यहीं से बच्चे घूम रहे हैं, आमने सामने घर बने, और ये गंदी गली नहीं है भाई, ये गली है। खुदा की कसम, जनाजे निकालने में मुश्किल है, नहीं पानी है, नहीं गटर को लैंड साफ है, क्या करें हम? आते बस दियो, हम कसम खाते हैं ये करेंगे वो करेंगे, क्या किया, कुछ भी नहीं किया। आप मस्जिद के मौजन है? जी हाँ। ये बहुत परेशानी होती है? बहुत परेशानी मैडम, हम गरीब जाए तो कहाँ से जाए, क्या करें हम, इधर कोई सुनने वाला नहीं है। ये मौज के कितने पैसे हैं, कहाँ गए, करोड़ों रुपए आते हैं मौज के लिए, वो कहाँ गए? जो फंड मंजूर होते हैं वो किधर जाते हैं, किधर लगते हैं? पता नहीं कहाँ जाते हैं, खा जाते हैं, बस गरीबों को कुछ नहीं मिलता, जो फंड आता है अपना पेट भर लेते हैं। कितने अरसे से हैं आप यहाँ पर इस इलाके में? 80 से आए हैं इधर। नमाज पढ़ने भी लोग नहीं आते होंगे? नहीं, कहाँ आते हैं, कोई भी नहीं आता, कहाँ आएंगे,
ये गलियों हालत है, पानी इतना हो जाते कौन आते हैं। आप अंजाम देने खुद कैसे जाते हैं? बस कहाँ जाते हैं, बस मुश्किल से जाते हैं, कपड़े पहन के दूसरे मेले, फिर वो मस्जिद में जाता हूँ, बदली करता हूँ, फिर अजान दे देता हूँ। यानी आप अजान देने के लिए पहले मेले कपड़े पहन के जाते हैं? मैं वो नहीं, तो नहीं पहनने के, फिर साफ कपड़े मस्जिद से पहन के गुस्ल बना के फिर उसके बाद जो है वो आप अजान देता हूँ। अजान देते दिल से निकलता क्या है इन लोगों के लिए? बस बदुआ निकलती है और कुछ भी नहीं निकला, बदुआ देते हैं हम लोग। खुदा इन लोगों को गर्क करे। मैडम साहब आप देख रही है गलियों, उधर गली में जाओ, कहीं भी गली में जाओ, कोई गटर के ऊपर ढकना नहीं है, सब पैसे भरे पड़े, कोई काम नहीं होता, पानी के लिए तड़प रहे हैं। 3,000-4,000 रुपये हम भरते हैं टैंकर का, अभी पेट भरे या पानी का करें। साइंस तो इतनी तरक्की कर चुकी है कि वो तो सैयारों में कमंदे डाल रही है और यहाँ ये आलम है। ये आलम है। मस्जिद में आता है पानी? नहीं आता है, एक घूट बहना में पानी का ली तो। सही, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? मेरे को यहाँ 50 साल हुआ है, हमने कोई तरक्की नहीं देखा, ये गटर खुले हुए, ये मैं खुद स्पेशल ब्रांच में हूँ, हमने उधर भी बात की, मैंने ये साहब ने तुम लोग का नाजम को, हम नाजम खुद इधर नहीं आते, ये हाल लगे पड़े जिंदगी भर, कोई बारिश पड़ता कोई नमाज नहीं पढ़ने जाता है, किसको बोलो वो तो बाबा जाओ उधर। ये गली है, इसको तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया था कि 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल तो इसी गली का पंप नहीं डालते हैं, कितना टुकड़ा है, 2 पंप चाहिए जो सिरे के लिए, या सर देख रहे हो ना, ये खुद ही नाली बना के जो है तो अपना गुजर सफर करते हैं, लेकिन यहाँ से आप जाओगे ऊपर चढ़ के जाओगे लेकिन नीचे गली में रास्ता नहीं है। बशीर बलोच साहब खुद आया था यहाँ विजिट करने, बशीर बलोच यहाँ का जो है तो PS का सदर रह चुका है, लेकिन बशीर बलोच यहाँ आता है बड़े बड़े वायदे करता है, मेरा वायदा है मैं ये काम करवाऊंगा, ये बलदियात इलेक्शन से पहले की बात है, बड़े बड़े वायदे करके गए थे मैं ये काम करूँगा, वो अपने ठेकेदार भी लेके आया ये गली विजिट कराने के लिए, लेकिन तब भी नहीं हुआ, ये सिर्फ आसरा दे के हमारे से सिर्फ वोट लेते हैं ये उसके बाद आते भी नहीं है। उसके बाद तो अभी इलेक्शन से पहले छोटा बच्चा मर जाता था तो उस पर भी 2 घंटा पहले आके बैठते थे, लेकिन अभी उनका आने जाने का कोई वास्ता नहीं। किसी भी इलाके के MNA हो या MPs हो, उनकी मैं बात कर रही हूँ, काउंसलर हो, जो भी हो, उनको इन चीज़ों से फुर्सत मिले, सियासतबाजी से, वतन तराशी से, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से तो काम करने का टाइम मिलेगा ना भाई, ऐसे तो काम करने का टाइम नहीं मिल सकता ना उनको, और वो यहाँ आएंगे उनकी शान में गुस्ताखी नहीं हो जाएगी इस इलाके में, इस जगह पर आएंगे। इसी पे भी नाराज़ हो रहे हैं तो आप हमारी बात क्यों करते हो, हमारा नाम क्यों लेते हो, हम किसका नाम ले, हमारा चेयरमैन है मूसा मेंगल साहब, उसका नाम लेते हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि मेरा नाम क्यों लेते, मेरा नाम क्यों लेते हो, बोलो सीट किसका नाम ले, हम सीट छोड़ दो ना, सीट छोड़ दो, सीट छोड़ने के लिए बड़ा झगड़ा हुआ था, क्यों बोल रहे हैं, कोई तरक्याती काम है नहीं, यहाँ कोई बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बेटा अभी बीमार है, मैं उसकी रिपोर्ट बोलो तो मैं आपके दिखाऊं, उसका कोरोस चल रहा है, यही गंदगी का वायरस मच्छरों की वजह से बीमार है, मैं उस पर काफ़ी खर्चा कर चुका, बेरोजगार हूँ, कहाँ से लाए हम, ये ठेकेदार आए थे यहाँ से देख के गए थे, ये इतना इतना गली आएगी, हम बिछा देंगे कोई नहीं, बिछा देंगे काम हो जाएगा, लेकिन फिर आए ही नहीं, हमने बाद में वीडियो चलाया, मेरे पास अपनी मोबाइल में वीडियो मौजूद है, वार्ड का सदर है, मौजूदा सदर है वार्ड का, उसको बोल रहे हैं काम के लिए, वो बोल रहा है किस जमात से ताल्लुक रखते हो, वो पहले तो काम करवाने के लिए पूछते हैं कि भाई वोट बैंक कौन सा है आपका, किसको वोट देते हो, अब जिसको देते हो उसको जाओ, हम अगर इख्तियार में बैठे तो हम नहीं करेंगे। 2018 में वोट दिया है, यहाँ बोल रहे हैं आप हमारे वोटर नहीं हो, क्यों नहीं है, 2018 में आप हिस्ट्री निकालो, मैंने खुद वोट दिया है। वोट दिया नहीं दिया, लेकिन आप अक्सरियत से मुंतखब हुए हो तो काम आपको करना है, इसलिए हमने वोट दिया है तो हमारा काम हो जाए, हमने मोहल्ले में अपने अपनी बीवी बच्चों को निकाला है वोट देने के लिए, फिर भी ये अभी हमारे से लड़ने के लिए तैयार है, आप क्यों हमारे खिलाफ जो है तो आप बाल रहे हो, बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो, आप ये शैतानगिरी कर रहे हो, आप ये उस वार्ड के सदर के लफ्ज़ हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, बोल रहे हो शैतानगिरी कर रहे हो, अगर मैंने कहा हमारा हक लेना शैतानगिरी है तो हम करते रहेंगे। वो वीडियो क्या है जरा उसको भी मुलाजा करें। मैं पार्टी का, मैं जमात इस्लामी का हूँ, जमात इस्लामी जी, फिर उनसे जाके सवाल करो, मेरे से क्यों करो, क्यों मैं उनसे सवाल करूँ, मोहल्ले का यूसी का सदर आप हो, यूसी का सदर वाले को तो आप उनसे सवाल करो, बजट किसके पास है, हमारा कसूर क्या है, हमारा ये बुनियादी हक है मांगना हमारा पार्टी से, भाई ये पार्टी ही है ना? क्या दे रही है बताओ, हम पार्टी बोल रहे से पैसे तो नहीं मांग रहे, हम पार्टी से आटा तो नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे, जो है हमारे बच्चों को तकलीफ हो रही है, हमारे बच्चे मर रहे हैं यहाँ, वो ये भाई बोल रहा है जुल्फकार, तो आप शैतानगिरी कर रहे हो, मैं जुल्फकार भाई जितना बदतमीजी आप कर रहे हो, आप आते हुए यहाँ मुझे जो बोला तो शैतानगिरी कर रहे हो, मौज के हर इलाके में काम हो रहा है, हमारे नूरशाह मोहल्ले में काम नहीं हो रहा है, क्या वजह है, बजट किसके पास है, हमारे से सवाल करेंगे हम जवाब देंगे, हम भाई कारकुन है, चलो ये कारकुन है, अगर आपसे सवाल करे तो, मैं कारकुन नहीं हूँ, मैं यहाँ मोहल्ले का मोहल्ले में रहता हूँ।
गली है, यहाँ पे जो खवातीन मौजूद है हमसे बात करना चाहती हैं, इसलिए हम इतना चल के यहाँ तक आए हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँची हूँ तो मुझे तो यहाँ जाने का रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। अब हम ऊपर से कोशिश करते हैं जाएं और फिर उनसे बात करें। नीचे तो जो गिलाजत है तो है, ये गटर है गेट के बाहर, तो उनको क्रॉस करके हमें जाना है और इसकी हालत बहुत गलीज हो रही है। भाई कब से रह रही हैं हम यहाँ पे? हमारे को 23 साल है भैया। चले ये गली तो पूरी मुकम्मल बंद है। ऊपर से हम लोग जाते हैं, ऊपर से जाते हैं, रास्ता नहीं है, क्या करे, किधर से जाओ भाई, पूरा गंदगी जमा हुआ है, कुछ सहूलत इधर नहीं है, ना पानी ना बिजली ना गैस, कुछ भी नहीं है। बिल बिल आते हैं आपके? बिल डबल डबल आते हैं। आप इसी इलाके में रहती हैं? 97 से। यही हाल है? यही हाल है, कोई सहूलत नहीं है यहाँ पर। यहाँ बड़े लोग इलेक्शन होते हैं ना, वोट देने के लिए जबरदस्ती घसीट के वोट ले लेते हैं। घसीट के लेते? और क्या, बाद में क्या बोलते हैं कि हाँ हम ये सही करेंगे वो सही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे ये लोग हमारे लिए। ना हमें ज़कात चाहिए, ना हमें पंच चाहिए, हम लोगों का अपना घर का सहूलत चाहिए, हक चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम खुद मेहनत करते हैं, मजदूरियां करते हैं, हमारे बच्चे सारा दिन रात को आते, यहाँ पर बिजली नहीं है, सारा रात मच्छर मारते हैं, क्या सहूलत है यहाँ पर, क्या किया हुकूमत ने हमारे लिए? हुकूमत नहीं चाहिए हम लोगों को, गटरों का दरवाजे ढक्कन नहीं है, बच्चे गिर जाते हैं, हमारे बच्चे मर जाते हैं, वो अपने घरों में रहते हैं, वो अपने एसियों में रहते हैं, हम लोग ख्वार हैं यहाँ पर। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा सजा हम लोगों को कानून दे रहे हैं? सही है, ये कह रही है हम पाकिस्तानी शहरी हैं भाई, अगर हम वोट नहीं देते क्योंकि यहाँ पे काम नहीं होता तो हमसे जबरदस्ती छीना जपटी करके घसीट के ले जाके वोट दिलवाया जाता है। और इनका कहना ये है कि हमें ज़कात नहीं चाहिए, हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, जो हमारा हक है। सुबह निकलते हैं घर के मर्द मजदूरी करने, ये लोग खुद मेहनत मजदूरी करते हैं और उसके बाद इनको क्या मिलता है? ना इनको पानी मिलता है, ना इनको बिजली मिलती है, ना इनको गैस मिलती है, गलियां गटर से अटी हुई हैं, गटर के ढक्कन गायब हैं, सिर्फ रोजाना हादसात मिलते हैं, बीमारियां मिलती हैं, परेशानियां मिलती हैं, सिर्फ ये मिलती हैं, आसरा मिलता है। वोट दे दो तुम लोगों का गली सही कर देंगे, गटर लेन सही करेंगे, लाइट सही, लाइट नहीं है, बिल देखो 5,000-8,000 बिल, बिजली अभी भी नहीं है। इधर गिर गए, ये नाले के अंदर ढकना नहीं है, पानी नहीं है, चले गए, उसका बच्चा पोत गया, जाया हुआ चले गए, घर छोड़ दिया, हाँ पानी नहीं है, मच्छर रात को देखो दीजिए खिचड़ा है। अभी नाले का 4 साल का बच्चा खूबसूरत था, हाँ पोत हो गया, ये नाले से गिर गया, वो नाले में आ गया। अच्छा, इधर गरीब है, सब गरीब है। उसके साथ और बच्चे खेल रहे थे जिन्होंने बताया कि नाले में गिरा है बच्चा, बच्चा किया, बच्चा गुम गया नाले में, वो दिन में बच्चा मिल गया, सिर इसका वंजी लगा, नाला बंद है, बच्चा है इसका सिर है, ये सब घर वालों का क्या हाल था? गरीब अबे इसका हाल बुरा था। क्या रो रही है? क्या रो, ये करो मच्छर जिले की ना है, साढ़े गरीब मारो, ना पानी है की ना, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, वो दुनिया जीवों को लाता, वो मरी रहो, सही है ना? सही है, कह रही है एक कमाने वाला है, 10 खाने वाले हैं, हम क्या करें, खाएं या बिल भरें, बिल इतने इतने आते हैं लेकिन सहूलत कोई नहीं है। जी हम थोड़ा और आगे आ गए और ये बिस्मिल्लाह कॉलोनी है, यहाँ पे जो खातून मौजूद हैं, क्योंकि आपको मंजर तो मेरे अकब में वही नज़र आएगा जो आपको स्टार्टिंग से नज़र आ रहा है, उसी तरह से कचरा है, उसी तरह से गंदगी है। ये खातून क्या कहती हैं, इनसे बात करते हैं। हमारा कहना है गटर का ढक्कन भी नहीं है, अगर बच्चा गिरेगा इसका जिम्मेदार कौन है? पानी आते हैं 20 दिन का बाद, हम लोग प्यासा रह जाएंगे 20 दिन का बाद, हाँ अभी ये देखो मच्छर हम लोग को काटते, डेंगू मच्छर होएगा भी नहीं होएगा हमको, छोटा छोटा बच्चा रात को नींद नहीं आता है, 30-20 रुपए का मच्छर जलेबी अभी आया है, अभी हुकूमत ने इतना महंगाई किया उसका भी हम लोग जिम्मेदार है, हुकूमत को बोलो ऐसा सस्ता ही करो, या कचरा साफ करो, ये रोड बनाओ, यही हमारे हुकूमत से बात है। ये गली तो मुझे बहुत बेहतर लग रही है जो मैं पीछे देख रहा हूं, बहुत बेहतर है, ये आकर तेरे को ढक्कन दिखाऊंगा गटरों का, देखो ये किधर है, ये सही है। तो वो कह रहे हैं ये नशेई अपराध आके ढक्कन वगैरह ले जाते हैं। कोई भी मैडम जो है ना ढक्कन को ले के नहीं गए, नशेई तो हैं वो अपनी जगह पे हैं, जो यहाँ के जो इंतजामिया वो क्या कर रही हैं, जी इनके आगे ऑफिस बने हुए हैं वहाँ के ये बैठते हैं, बैठ के चले जाते हैं, ढक्कन जो आप बोल रहे हो नशेई लेके जाता है, नशेई कोई भी लेके जाता है, अभी भी स्वीपरों को आप बुला के ये देख सकते हैं, पत्थर हमने रखे हुए हैं ताकि कचरा ना जाए, इसके अंदर ढक्कन गिरे हुए हैं, इन्हीं की गाड़ियाँ आती हैं इसी से ढक्कन गिर जाते हैं, उठाने वाला कोई नहीं है,
इधर इतने मच्छर हैं, बच्चों को जो ना हमारे डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो रहा है, और हम प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ लेके जाते हैं, गवर्नमेंट में लेके जाते हैं, गवर्नमेंट में कुछ सुनता नहीं है, इनको बोल बोल के थक गए। ये कचरे के आप हाल देख रहे हो, इधर जो है ना तकरीबन महीना महीना कोई गाड़ी नहीं आती कचरा उठाने के लिए, जाके बोलो तो वो अपने इलाकों में बैठे हुए हैं, यहाँ से जीते हैं नेवल मैन के जो है ना अपने अपने बंगले बने हुए हैं, नेवलों में रहते हैं, और इधर जो ना कोई हमारा सुनने वाला भी यहाँ कोई नहीं। देखिए हम तो आपकी आवाज़ पहुँचा सकते हैं, हम तो आपकी आवाज़ पहुँचा देंगे, आपके पास किस चीज का हक है? वोट का हक है ना, तो फिर वोट का आखिर में आप इन्हीं लोगों को दे देते हैं। हमने इनको वोट दिया, हमने यही कहा है कि चलो ये हमारे इलाके के जो है ना मसीहा हैं, हमारे मोहल्लेदार हैं, हम इनको वोट देंगे, हम इनको जिताएंगे, ये हमारी सुनेंगे, अब तो जो ना कोई आता ही नहीं। लॉलीपॉप क्या देते हैं आपको? सब कुछ होगा काम, सब होगा, सब होगा, कब होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है, कब होगा सब होगा काम। बच्चा गटर पे गिर जावे मर जावे, बस आप लोग का आवे ढक्कन बन रहे गटर, अभी देखो गटर कौन सा बना हुआ है, सब खुला हुआ है। मेन रोड की जो ये लेन है, ये लेन होगी ऊपर और गली गली होगी नीचे, जितने भी ये पानी ना सबके घरों पे जो है ना ये सेवरेज का पानी सबके घरों में, आप दरवाजा खोल खोल के देख सकते हैं, सबके घरों में डब्बे निकाल निकाल के जो है ना सेवरेज का पानी अपने घरों से गलियों में फेंकते हैं यहाँ पर। सही है, यहाँ पे ये आलम है कि भाई सब काम होगा मगर कब होगा ये कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हादसात हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, जो लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि मच्छर यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, गंदगी की बहुतात है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल तो अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, एक अलग दर्द सर हो जाता है, ये बुनियादी सहूलियात को तरस तो रहे हैं लेकिन बीमारी इनके लिए एक अलग दर्द सर हो जाती है, पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं है, क्या कहेंगे आप? उधर अभी लेन डाल है, इतने छोटे छोटे लेन डाल के बस चले जाते, बड़े जो पैसे वाले खाली जेब में डाल लेते, 6% आते हैं, 3% जेब में डाल लेते, 3% लगा लेते, क्या फायदा? यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, सीधा कोई कचरा यहाँ पर कितना पड़ा हुआ है, गलियों के अंदर जाओ गलियाँ भरी हुई है, यहाँ पर हम लोग ने इतने वोट दिए, इतने कुछ किया, सबको जिताते, जब भी जिताते, आवाम तो सबके पीछे होती है, लेकिन यहाँ पर होता कुछ भी नहीं। आवाम बहुत परेशान है, मतलब इतनी परेशान है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद इस इलाके में आई हूँ तो मैंने देख लिया है कि यहाँ चलने का भी आलम नहीं है, और सबसे बड़ा जो मेन मसला है ना, वो कह रहे हैं आप हमें बिजली नहीं दे रहे, गैस नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, कम से कम कचरा उठाओ, गंदगी साफ करो, स्पेशली ये जो गटर के ढक्कन है ना इसका मुकम्मल तौर पे बंदोबस्त करो। जिस तरह से शहर में बुनियादी मसाइल संगीन तरीन होते जा रहे हैं और आवामी सतह में लोगों में मायूसी का अंसर बढ़ा है, इसने सबके लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि अब बर्दाश्त खत्म और अदम बर्दाश्त का रवैया नुमाया हो रहा है, अब वक्त का तकाजा है कि कराची में मंसूबा बंदी के तहत बुनियादी ढांचे और इंतजामी मामलात में तब्दीली लाई जाए और तरजीही बुनियादों पर तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल किया जाए, अगर दुरुस्त सिम का तयन अभी भी नहीं किया गया तो मुस्तकबिल में हालात मजीद बदतर हो सकते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल और आप चाहते हैं कि सच के सफर में हम आपकी आवाज़ बने तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी और स्क्रीन पर मौजूद नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सरा फैसल और सच का सफर की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।